इस दिग्गज खिलाड़ी के साथ 4 साल बाद फिर घटी ये अनचाही घटना, हो गया परेशान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही मौजूदा वनडे सीरीज की भी कप्तान केन विलियमसन के लिए एक बल्लेबाज के तौर पर कुछ खास नहीं रही है। इस सीरीज के पहले मैच में भले ही न्यूजीलैंड की टीम को जीत हासिल हुई, लेकिन उस मैच में कीवी कप्तान का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका। इतना ही नहीं, पुणे में खेले गए दूसरे मुकाबले में भी विलियमसन बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और इस मैच में उनकी टीम को भारत के हाथों 6 विकेट से मात खानी पड़ी। इसी के साथ उन्होंने 4 साल बाद फिर एक ऐसा काम कर दिया जो कोई भी बल्लेबाज कभी भी नहीं करना चाहेगा। इस सीरीज के पहले मैच में कीवी कप्तान सिर्फ 0-6 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे। इसके बाद पुणे में खेले गए दूसरे मैच में भी विलियमसन मात्र 0-3 रन पर बुमराह की गेंद पर गुमराह होकर LBW आउट होकर पवेलियन लौट गए। यानी इस सीरीज के दोनों मैचों में विलियमसन दहाई का आंकड़ा छूने में नाकाम रहे हैं। इस मैच में आउट होने के बाद विलियमसन खुद से नाराज और परेशान भी नजर आए, क्योंकि दोनों मैचों में जब भी वो आउट हुए तो उनकी टीम को अपने कप्तान से एक बेहतरीन पारी की दरकार थी, लेकिन वो दोनों मौकों पर फेल हो गए। इससे पहले कीवी कप्तान के साथ ऐसा सन 2013 में हुआ था। 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए लगातार 2 मैचों में विलियमसन 10 का आंकड़ा छूने में नाकाम रहे थे। तब उन्होंने ऑकलैंड में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में इंग्लिश टीम के खिलाफ 0-7 रन बनाए थे। इसके बाद जब न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड में खेलने गई तो वो वनडे सीरीज के पहले मैच विलियमसन खाता तक नहीं खोल पाए थे।